नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर के ऊपर। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आया था कि सर, P10 डिस्प्ले में जो है हमारा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर की कैसे कनेक्ट करें, उसके ऊपर वीडियो बनाओ। मैं बता दूँ, अगर आप P10 डिस्प्ले यूज करते हैं और P10 कंट्रोलर, चाहे कि W0 यूज करते हैं या कोई भी कंट्रोलर यूज करते हैं, अगर आप उसमें जो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का ऑप्शन यूज करते हैं विदाउट सेंसर, तो वो जो आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दिख रहा है वो एक्यूरेट नहीं दिख रहा है। इसमें अलग से आपको टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर लगाने होते हैं, और यहाँ पे जो है आपको कंट्रोलर में पोर्ट भी दिया होता है जिसमें कि आपको सेंसर कनेक्ट करना होता है। तो दोस्तों, बने रहिए, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इसी टॉपिक के ऊपर। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें वहाँ फॉलो और लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बात कर रहा था टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएंट के टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर ये कंट्रोलर सपोर्ट करता है। पहला कि जैसा ये सिंगल वाला आता है जिससे सिर्फ टेम्परेचर आपको दिखता है, ठीक है। एक और आता है जो कि ट्रांजिस्टर टाइप का होता है, LM35 IC टाइप का होता है, जिसमें आपको टेम्परेचर दिखता है लेकिन वो एक्यूरेसी के मामले में उतना अच्छा नहीं होता है। और साथ में उसमें क्या है कि पिन जो है आपको वाटर प्रूफिंग नहीं होते हैं, तो मे बी इन्वायरमेंट के साथ ख़राब हो जाते हैं। ये जो है आप इसे कंट्रोलर में कनेक्ट करके और बाहर सराउंडिंग में लटका सकते हैं, काफ़ी सेफ़ है और डैमेज भी नहीं होंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो आता है, इसमें आपको टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी दोनों मिल जाता है। और इसको जो मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, मैंने कैसे कनेक्ट किया इसका वीडियो आपको हार्डवेयर सेटिंग में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो है W03 कंट्रोलर है। आप इसे जो है W0 कंट्रोलर में कनेक्ट कर सकते हैं, W03 में और भी अलग अलग वेरियंट्स में। ये जो कि हमारा सिंगल कलर का कंट्रोलर है। अगर आप WF1 और WF2 की बात करें तो उसमें आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का ऑप्शन, यहाँ पे सेंसर लगाने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। लेकिन जब आप उससे ऊपर वाले वेरिएंट में कंट्रोलर बाई करेंगे RGB वाले के लिए, तो ये हमारे हाथ में जो है अभी WF4 है, ठीक है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीछे आपका मेंशन है कि यहाँ पे जो है आप बहुत सारे टाइप के सेंसर लगा सकते हैं, रिमोट कंट्रोलर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको RGB टाइल में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ये सब लगाना है, तो आप जो है WF4 कंट्रोलर लें और एक बार इसके डेटा शीट को ज़रूर चेक करें। इसका डेटा शीट भी अवेलेबल है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी सिंगल कलर वाले में इसका W0 में भी है और W03 में भी है, ठीक है। तो ये W0 और W03 में ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं है, तो मैं प्रेफर बोलूँगा कि आप यही लें। W0 में दो लाइन कनेक्ट होते हैं और इसमें तीन लाइन कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आगे के वीडियो में हम लोग इसके हार्डवेयर कनेक्शन को देखेंगे, कैसे इसे कनेक्ट किया है मैंने, और उसके बाद जानेंगे कि कैसे हम लोग इसे प्रोग्राम करके डिस्प्ले के ऊपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेट करते हैं। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। हम लोग आ गए हैं हार्डवेयर सेक्शन की ओर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कंट्रोलर है और जो कि है W03, या आप W00 भी यूज कर सकते हैं, तो इसमें जो है हम लोग पहले हमारा जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर है इसको कनेक्ट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि सेंसर में तीन वायर निकले हुए हैं, जिसमें रेड और ब्लैक जो है आपका पावर सप्लाई के लिए 5 वोल्ट और ग्राउंड, और ये जो है आपका डेटा है। ऐसे ही कंट्रोलर में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है 5 वोल्ट डेटा एंड ग्राउंड, और इधर जो है 5 वोल्ट ग्राउंड TX RX, ये जो है रिमोट के लिए। इसमें जो है अगर आप रिमोट से इसको ऑपरेट करना चाहते हैं डिस्प्ले के लिए, तो उसके लिए सेंसर लगाने होते हैं और वो जो है रिमोट से ऑपरेट होता है। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर लगा करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे सोल्ड। तो तीनों वायर को आप इसमें डाल करके अच्छे से, उसके बाद आपको करना है सोल्ड, और फिर इसे हम लोग डिस्प्ले में लगा करके चेक करने वाले हैं। विदाउट सेंसर लगाए आप अगर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी देखेंगे तो वो आपका फॉल्स रीडिंग देगा, मतलब वो डेटा सही नहीं होगा। इसमें सेंसर लगाने ही होते हैं,
इस कार्ड के इंटरनल में कोई सेंसर होता नहीं, ठीक है। वायर लगाने के बाद आप क्या करेंगे, तीनों पिन को सोल्ड कर लेंगे। ये हमारा सोल्डिंग कंप्लीट हुआ है, तो आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक वाइट सॉरी येलो एंड रेड को जोड़ दिया है। ब्लैक को ग्राउंड में, येलो को हमने डेटा में जोड़ा है और इसको 5 वोल्ट। अब इसे टाइल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। अभी जो है मैंने 2 टाइल्स यहाँ लेकर आया हूँ, तो मैं अभी 2 टाइल्स पे इसे चेक करूँगा, ठीक है। तो चलिए इसका भी कनेक्शन देख लेते हैं। इसमें भी बस एरो का ध्यान रखना है जिधर से हमारा डेटा जाएगा, ये शो कर रहा है उधर की ओर, मतलब हमारा जो है और रिबन वायर इधर लगेगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम दूसरा टाइल ले लेते हैं और इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। अब जो है हम इसे जो है कंट्रोलर के एक 12:1 12:2 में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि कुछ लाइन निकले हुए हैं, तो हम इसे इसमें कनेक्ट करके देखते हैं। ये कंट्रोलर से आप हाइट में 3 टाइल चला सकते हैं, मैं जो हूँ अभी 2 टाइल चला करके आपको दिखाने वाला हूँ। और हम जो है इसे पावर सप्लाई के लिए अब कनेक्शन दे देते हैं, बस पावर देखते हमें ध्यान रखना होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव का। तो आप पावर देने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि ये सब डिवाइस जो है पोलैरिटी के कारण अगर आप उल्टा कनेक्शन करेंगे तो ये डैमेज हो सकता है। और इसे जो है ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि ये पीसीबी के ऊपर माउंट होता है, तो ज़्यादा टाइट करेंगे मे बी पीसीबी भी ब्रेक हो सकता है, तो इसे आराम से स्मूथली करना है। और इसमें पावर देने के लिए आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ VCC एंड ग्राउंड लिखा होता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको VCC एक साइड और एक साइड ग्राउंड लिखा रहेगा। मैं जो क्या क्या हूँ इसका तार इसमें जोड़ दिया हूँ और इसके तार से एक वायर निकाल के डायरेक्ट पावर सप्लाई में जोड़ डाल दूंगा। और आप सेंसर को 3 टाइल 2 टाइल या 1 टाइल किसी वाले उसमें लगा सकते हैं। बाकी जो आपका RGB वाला कंट्रोलर आता है W0 W F1 एंड W F2, उसमें सेंसर लगाने के ऑप्शन नहीं है, तो उसके हायर वर्जन वाले आप कंट्रोलर में पहले आप चेक कर लेंगे कि उसमें सेंसर का ऑप्शन है या नहीं, फिर आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब मुझे जो है 5 वोल्ट कार्ड को भी प्रोवाइड करने हैं, तो मैं कार्ड के लिए भी यहीं से पावर निकाल लेता हूँ। अब इससे क्या होगी, मैंने इसी वायर को यूज कर लिया, तो इससे मुझे आसानी होगी
ज़्यादा वायर जोड़ना नहीं है। ऐसे ही आप जब टाइल्स खरीदेंगे तो आपको एक वायर और एक रिबन वायर सिंगल कलर के टाइल्स के साथ मिलता है। तो ये मेरा लगभग वायरिंग कंप्लीट ही होने वाला है। और जिनको ये सेंसर चाहिए वो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं कि ये सेंसर में भी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। बाकी ये सेंसर आप अमेज़ॉन से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, हमारा कनेक्शन पूरा हुआ। अब जो है हम इसमें पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे और फिर जो है इसको ऑपरेट करके देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे 5 वोल्ट 40 एम्पियर का पावर सप्लाई यूज करने वाले हैं। बाकी ये जो है आपको 5 वोल्ट 10 एम्पियर के पावर सप्लाई से 2 टाइल्स ईजिली ऑपरेट हो जाता है। आप इस टाइप का पावर सप्लाई यूज कर सकते हैं जो कि स्लिम है और इसका यूज करके बोर्ड बना सकते हैं। तो अभी हम 40 एम्पियर वाले पे चेक करेंगे। क्योंकि ये 40 एम्पियर मैंने एक निकाल रखा है टेस्टिंग पर्पस के लिए, तो मैं सारा टाइल्स इसी पे चेक करता हूँ। अब मैं इसे पावर डाल के दिखाने वाला हूँ आपको। ये हमारा 100 पावर आ गया है। आप देख पा रहे हैं कि जो है टेक्स्ट उल्टा पुल्टा चाइनीज में चल रहा है। तो इसे हम पहले टाइल्स हम सीधा कर लेते हैं क्योंकि हम उल्टी डायरेक्शन में टाइल्स को रख दिए हैं। ये हमारा ये वाला पार्ट इधर आएगा। ठीक है, अभी जो हम इसको अभी चेक करेंगे फोन में ऐप के थ्रू सेटिंग करेंगे इसका। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ऐप में सेटिंग करना होगा। तो मैं दिखा दूँ जो हमारा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए। तो इस प्रोजेक्ट के लिए जो है आपको सबसे पहले आपको अपना जो है मोबाइल डेटा बंद करना होता है। मोबाइल डेटा बंद करने के बाद आपको वाईफाई ऑन करने होते हैं आपको अपने, और वाईफाई में जो है आपको इस कंट्रोलर से कनेक्ट करना होगा जो कि यहाँ पे देखिए W03 है और इसका पासवर्ड है 8×8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और हमने प्रेस किया, कनेक्ट किया, ये हमारा डिवाइस कनेक्टेड हो चुका है। उसके बाद आपको जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है वो LED8 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है और आप उसको ओपन करेंगे। और यहाँ पे पहले से कुछ है तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। अभी हम न्यू डिस्प्ले बना रहे हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम 124×48 हाइट में जो है हमारा 48 LED लगा सकते हैं। मतलब एक टाइल में हाइट में 16 है तो 16×32 और एक और लगा सकते हैं। ये 3 लाइन का कंट्रोलर है इसलिए 48 का ऑप्शन आ रहा है। हमारा जो विड्थ में भी 32 LED है और हाइट में जो है 32 है, मीन 32×32 हमने 2 टाइल्स यूज किया है। हाइट और विड्थ में जो ये LED विड्थ दिखा रहा है ये नंबर ऑफ़ LEDs हैं। जैसे ये एक हमारा टाइल्स है
इसमें हाइट में 16 एलईडी है और विड्थ में 32 एलईडी है, उसी एलईडी को कैलकुलेट करके यहाँ पे करना होता है। ठीक है, ये सिंगल कलर है, एज इट इज छोड़ देंगे हम। उसके बाद ओके पे प्रेस करना है आपको, और यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसे वेलकम लिख देते हैं, और यहाँ पे देखिए डिस्प्ले का इफ़ेक्ट जो है कंटिन्यूस, ये हम सेलेक्ट करते हैं, और ये काफ़ी बोल्ड लग रहा है, इसे हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और इसको बोल्ड कर लेते हैं। साथ में जो है स्पीड जो है इसका बहुत ज़्यादा है अभी, यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं जो भी आपको फ़ॉन्ट पसंद है। जैसे ये अभी ठीक नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे इसको मोटा पतला ये सब करके देख सकते हैं, और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं। तो ये फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करने होते हैं, तो ये ठीक है। फ़िलहाल अभी हम इसे सेंड करते हैं, तो आप क्या देखिए ये हमारा जो है वेलकम डिस्प्ले होना चालू हो गया है। ठीक है, अब जो है हम लोग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा जो है ये डिस्प्ले में वेलकम है, इसको हम जो है ऊपर चला देते हैं, और इसका फॉन्ट को थोड़ा सेट करते हैं। ठीक है, और हम सेंड कर देते हैं वेलकम। तो ये देखिए फर्स्ट वाले लाइन में वेलकम चलने लगा। अब जो यहाँ पे देखिए आपको ऐड का बटन दिख रहा है, यहाँ पे प्लस का बटन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। घड़ी है ऐड करना है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऐड करना है, तो हम यहाँ प्रेस करते हैं, और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हमें जो है सेकेंड लाइन में चलाना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पूछ रहा है किस टाइप का सेंसर आप यूज कर रहे हैं, तो हम फिलहाल आपको आज ये सेंसर यूज करके दिखाने वाले हैं। सिर्फ टेम्परेचर दिखाना है या टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बोथ दिखाना है, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको कुछ और सेटिंग्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिखाना है या फ़ारेनहाइट में दिखाना है, तो आपको किस टाइप में दिखाना है वो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ टेक्स्ट आ रहे हैं, टेक्स्ट में TMP ह्यूमिडिटी लिख रहा है, तो आप इसके जगह टेक्स्ट बदल भी सकते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज हमारा क्या है, फ़ॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हैं। पहले हम इसको सेंड करके देखते हैं कि क्या आ रहा है, उसके बाद जो है हम उसको देखेंगे। तो टेम्परेचर जो है आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट आ रहा है, टेम्परेचर का बाकी का डेटा नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट डिस्प्ले मोड, ये देखिए डिस्प्ले मोड है टू लाइन, हम इसे सिंगल लाइन में कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन है, बॉर्डर, बैकग्राउंड, फ़ॉन्ट साइज, अगर फ़ॉन्ट साइज हम 10 करें तो यहाँ पे टेम्परेचर के आगे टेम्परेचर शो कर रहा होगा, तो हमें जो है यहाँ से टेक्स्ट हटाने होंगे या नंबर ऑफ पैनल हमें जो है ज़्यादा यूज करना होगा। ठीक है, तो अभी जो है हम इसको भी हटा देते हैं और सिर्फ लिखते हैं H, ह्यूमिडिटी डिस्प्ले, ह्यूमिडिटी करेक्शन, और जो है टेम्परेचर करेक्शन, और टेम्परेचर की जगह मैं लिख देता हूँ T। ठीक है, अब इसे सेंड करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है कि टेम्परेचर आपको शो अप करेगा, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर जो है 31 दिखा रहा है, और 31.8 दिखा रहा है टेम्परेचर। और ह्यूमिडिटी के लिए हमारे पास जो है अभी ज़्यादा स्पेस नहीं है, और इसके फ़ॉन्ट को जो है हम लोग चेंज करके देखते हैं, तो ये थोड़ा आपको क्लियर दिखाएगा, दो टाइल लगाने के बाद थोड़ा क्लियर होगा। टेम्परेचर 31, 32, अभी हम इसका टेम्परेचर बढ़ा के देखते हैं कि असर होता है कि नहीं। ये हमारे पास लाइटर है और ये हमारे पास टेम्परेचर सेंसर है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो है
हम हीट क्रिएट करते हैं। तो ये देखते हैं ये अपडेट होता है या नहीं। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर हमारा अपडेट हो रहा है, ये थोड़ी थोड़ी देर में ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है। ठीक है, अगर आप बिना टेम्परेचर सेंसर लगाए इसमें अगर आप लगाएंगे तो ये आपका सही टेम्परेचर नहीं दिखाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर जो है इंक्रीज होने लगा है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम लोग टेम्परेचर सेंसर को पीटन डिस्प्ले में सेट कर सकते हैं। बाकी हम ट्राई करते हैं आपको ह्यूमिडिटी का भी दिखाने का टेम्परेचर को बंद करके। अभी जो है हम यहाँ पे टाइप और सिर्फ हम यहाँ पे ह्यूमिडिटी सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एच 66% है और यहाँ से हम डेटा सेंड करते हैं। ये देखिए ह्यूमिडिटी आपका दिखाने लगा है, और जब नंबर ऑफ़ टाइल्स ज़्यादा लगाएंगे तो हम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी दिखा सकते हैं। हम इसे कहीं भी सेट कर सकते हैं, इसे खींच करके ऊपर ले जाएंगे और इस उधर भी सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए वो आ गया उधर। तो ये आप जो है आपके पास चॉइस है, आप बड़ा टाइल्स लेकर के उसमें कर सकते हैं। तो अभी जो है हम दोनों डिस्प्ले करा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले का आपको मोड आ रहा है टू लाइन या सिंगल लाइन, तो मैं अभी सिंगल लाइन में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर से हम जो है सेंड कर देते हैं। तो दोस्तों होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो है कंट्रोलर में टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर कैसे ऐड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर आपको ये सेंसर मंगवाने हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर से व्हाट्सएप करके या हमारे वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू।